शुद्ध शहद की पहचान कैसे करें? शहद की बात आते ही सबके मन में यही सबसे पहला प्रश्न होता है। इस वीडियो में इसी महत्वपूर्ण सवाल का विस्तार पूर्वक जवाब दिया गया है। इस वीडियो में 5 विषय पर चर्चा की जाएगी। नंबर 1, विभिन्न प्रकार के मिलावटी शहद। नंबर 2, शहद को पहचानने के प्रचलित गलत तरीके। नंबर 3, रेगुलेटरी अथॉरिटीज द्वारा बनाए गए लेबोरेटरी पैरामीटर्स। नंबर 4, एडवांस लेबोरेटरी टेस्ट जो नकली शहद पहचान सकते हैं। नंबर 5, शहद खरीदते समय याद रखने वाली बातें। सबसे पहले हम विभिन्न प्रकार की मिलावट के बारे में जानते हैं। शुरुआती दिनों में मोलासेस को शहद में मिलावट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल उसे नहीं मिलाया जाता क्योंकि वो पानी में जल्दी घुल जाता है और उसकी सुगंध गुड़ जैसी होती है। एक और मिलावट लिक्विड ग्लूकोज की जाती है, जो गाढ़ा चमकीला लिक्विड होता है, जिसे अक्सर बेकिंग और कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। एक और मिलावट इन्वर्ट शुगर की जाती है, जिसे सामान्य चीनी को प्रोसेस करके बनाया जाता है। इसे अक्सर हनी ग्रेड इन्वर्ट शुगर के नाम से बेचा जाता है। एक और मिलावट हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप से की जाती है, जिसे स्वीट कॉर्न से तैयार किया जाता है। एक और सिरप है राइस सिरप, जिसे आजकल सारे विश्व में सबसे ज्यादा मिलावट के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसमें चावल को अनोखी विधि से प्रोसेस करके तैयार किया जाता है। भारत में भी इसे बहुत बड़ी मात्रा में आयात किया जा रहा है। ये सारे नकली शहद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसे डायबिटीज और हृदय रोग से जोड़कर देखा जा रहा है, इसीलिए हमें केवल शुद्ध शहद ही उपयोग करना चाहिए। चलिए अब हम शहद पहचानने के कुछ पुराने पारंपरिक तरीकों के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि ये कितने उपयोगी हैं। सबसे लोकप्रिय तरीका है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। इसमें शहद को धीरे से पानी से भरे हुए ग्लास में डाला जाता है। अगर शहद बिना घुले नीचे बैठ जाए और देर से पानी में घुले तो उसे शहद समझा जाता है। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते कि मोलासेस के अलावा सारे नकली शहद इस टेस्ट में पास हो जाते हैं, क्योंकि घुलने की क्षमता गाढ़ेपन पर निर्भर होती है और सारे नकली शहद को जानबूझकर गाढ़ा बनाया जाता है ताकि वो शुद्ध शहद जैसे दिखाई दे। इसीलिए ये टेस्ट भरोसेमंद नहीं है। और एक प्रसिद्ध तरीका है कि कॉटन, कागज या करेंसी नोट को शहद में भिगोकर जलाया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि शुद्ध शहद में भिगोई गई चीजें नहीं जलती, वहीं कुछ लोग इसके विपरीत मानते हैं। ये टेस्ट भी अविश्वसनीय और गलत है, क्योंकि जलना या ना जलना पानी की मात्रा या शहद के गाढ़ेपन पर निर्भर होता है। एक और तरीके में शहद की बूंद कपड़े पर डाली जाती है। अगर शहद कपड़े को बिना भिगोए फिसल जाए तो उसे शहद माना जाता है। ये भी एक गलत टेस्ट है, क्योंकि हर गाढ़ा पदार्थ इसी तरह फिसल जाता है। एक और टेस्ट जो इंटरनेट पर काफी प्रसिद्ध है, शहद को एक बर्तन में डालकर कुछ पानी डाला जाता है और उसे क्लॉकवाइज शेक किया जाता है। लोगों का मानना है कि अगर शहद शुद्ध है तो वो बर्तन के तल में हनीकॉम्ब जैसा हेक्सागोनल शेप बनाएगा। ये भी एक अनसाइंटिफिक और बेसलेस टेस्ट है। कोई भी गाढ़ा नकली शहद इस टेस्ट में पास हो जाता है। एक और प्रचलित धारणा है कि अगर शहद शुद्ध हो तो उसे चींटी नहीं लगेगी। ये भी एक गलत धारणा है, क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं कि चींटी शहद जैसे मीठे पदार्थ की तरफ आकर्षित ना हो। वास्तविकता में मधुमक्खी अपने छत्ते के आसपास प्रोपोलिस नामी एक चिपचिपी लेप लगाती है, ताकि शहद के छत्तों को चींटियों और दूसरे कीड़ों से बचाया जा सके। एक और प्रचलित धारणा है कि शुद्ध शहद को कुत्ते नहीं खाते। ये भी एक गलत धारणा है, क्योंकि अगर कुत्ता भूखा होगा तो वो शहद जरूर खाएगा, और भूखा ना हुआ तो वो नहीं खाएगा। शहद को पहचानने के और भी पारंपरिक तरीके हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि कोई भी पारंपरिक तरीकों द्वारा नकली शहद को नहीं पहचाना जा सकता, क्योंकि ये सारे टेस्ट शहद का सिर्फ फिजिकल परीक्षण करते हैं और सारे नकली शहद इन फिजिकल परीक्षण में पास हो जाता है। अगर नकली शहद की पहचान इतनी आसान होती तो बाजार में नकली शहद इतनी आसानी से नहीं बेचा जाता। विचार करके देखें कि एक स्टडी के अनुसार बाजार में 70% नकली शहद बेचा जा रहा है। हाँ, बाजार में से 10 में से 7 शहद नकली या मिलावटी है। अगर वास्तव में आपको नकली शहद को पहचानना हो तो आपको लेबोरेटरी में जाकर एडवांस टेस्ट करवाना होगा। जी हाँ, सिर्फ लेबोरेटरी ही आपको असली और नकली शहद की पहचान करवा सकती है। लेकिन विडंबना है कि हमारे लेबोरेटरी पैरामीटर्स अभी भी आउटडेटेड हैं और एडवांस टेस्टिंग पैरामीटर्स अभी लागू नहीं किए गए हैं। यहाँ पर हम पहले लेबोरेटरी पैरामीटर्स की चर्चा करेंगे, उसके बाद एडवांस टेस्ट की चर्चा करेंगे जो अभी तक लागू नहीं किए गए। कृपया ध्यान दें कि इस वीडियो में टेस्ट की विधि नहीं बताई गई है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता और सिर्फ केमिस्ट्री के जानकार लोगों को ही समझ में आता। टेस्ट की विधि की विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए अलग वीडियो बनाया जाएगा। लेबोरेटरी पैरामीटर्स की सूची ये है: फीस टेस्ट, एनिलाइन क्लोराइड टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मॉइस्चर कॉन्टेंट,
टोटल रिड्यूसिंग शुगर, प्रेजेंस ऑफ सुक्रोज, फ्रुक्टोज ग्लूकोज रेशियो, टोटल एश, हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल कॉन्टेंट, वाटर इनसॉल्युबल मैटर्स, बी पॉलन काउंट, एसिडिटी, एस फॉर्मिक एसिड। ये सारे टेस्ट्स दशकों पहले शहद को जांचने के लिए बनाए गए थे। इन टेस्टों से मोलासेस, लिक्विड ग्लूकोज और इन्वर्ट शुगर को पहचाना जा सकता है, लेकिन इन टेस्टों द्वारा हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप या राइस सिरप को नहीं पहचाना जा सकता। टेस्टिंग पैरामीटर्स की इस बड़ी कमी के कारण कई कंपनियां नकली शहद को असली शहद के नाम पर बेच रही हैं। एडवांस टेस्ट की सूची, जिससे आप कॉर्न सिरप और राइस सिरप को भी पहचान सकते हैं। कार्बन आइसोटोप टेस्ट फॉर C4 शुगर्स, प्रोलाइन क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डायस्टेस एक्टिविटी, फॉरेन ओलिगोसैकेराइड्स, स्पेशल मार्कर फॉर राइस सिरप SMR, ट्रेस मार्कर फॉर राइस सिरप DMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट NMR। इन जटिल टेस्टों द्वारा हम हर प्रकार के नकली शहद को पहचान सकते हैं। अगर इन जटिल टेस्टों को ईमानदारी से लागू किया जाए तो शहद की मिलावट पर काबू पाया जा सकता है, खासकर बड़े ब्रांड्स और ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में। अगर वास्तविकता में ऐसा होता है तो सुपरमार्केट में बहुत ही कम शहद बेचा जाएगा। तब तक आपके लिए हमारे पास कुछ सुझाव हैं जो आपको असली शहद चुनने में मदद कर सकते हैं। अपने आसपास के क्षेत्र में लोकल शहद की तलाश करें, वो चाहे जंगली मक्खी का हो या बी कीपर द्वारा एपीयरी शहद हो। अगर आप जंगली मक्खी का शहद लेते हैं तो ध्यान रखें कि वो शहद क्लाउडी होगा, क्योंकि जंगली शहद को छत्ते को स्क्वीज करके निकाला जाता है, वो कभी भी ट्रांसपेरेंट या चमकदार नहीं होगा। अगर आप एपीयरी या बी कीपर वाला शहद लेते हैं तो ध्यान रखें कि शहद का टेस्ट और महक उसी इलाके के शहद जैसी होनी चाहिए। अगर आपको आसपास में शहद नहीं मिलता है तो आप ये करें, किसी ऐसे ब्रांड की तलाश करें जिसकी पहुंच सीधे शहद के स्रोत तक हो और वो आपको विभिन्न प्रकार के शहद दे सके। विभिन्न प्रकार के शहद की मांग करना एक बुद्धिमानी होगी, क्योंकि नकली शहद वाले ब्रांड्स आपको कभी भी ये विभिन्न प्रकार के शहद नहीं दे सकते। एक और बात का ये ध्यान रखें कि कभी भी ट्रांसपेरेंट या अल्ट्रा क्लियर शहद के धोखे में ना आए। हमेशा याद रखें कि प्राकृतिक शहद में बी पॉलन की मात्रा होती है। एक और छोटी सी टेक्निक जो मैं स्वयं इस्तेमाल करता हूँ कि शहद का ढक्कन खोलते ही तुरंत उसे सूंघा जाए। अगर शहद शुद्ध हो तो उसमें उन फूलों की महक जरूर होगी जिनसे शहद इकट्ठा किया गया है। अगर शहद नकली हो तो या तो शक्कर की महक होगी या शहद के फ्लेवर की। हाँ, इसके लिए कुछ अनुभव चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र का शहद अलग होता है और हर क्षेत्र के शहद से परिचित होना जरूरी है। और एक जरूरी बात, कभी ऐसा भी होता है कि आप प्राकृतिक शहद खरीद लेते हैं लेकिन जब वो क्रिस्टलाइज या दानेदार हो जाता है तो उसे नकली या मिलावटी समझकर रिजेक्ट कर देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि शहद का क्रिस्टलाइज होना एक प्राकृतिक गुण है। अक्सर शहद कुछ दिनों या महीनों में दानेदार हो ही जाते हैं। इन जानकारियों के साथ जब आप शहद खरीदने जाएंगे तो उम्मीद है कि आप शुद्ध शहद ही खरीदेंगे। अगर आपको इस विषय में कोई सवाल हो तो आप कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं। शहद के बारे में और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।